जिप होगा ना 25 और उसके बाजू वाले का इशू कंपार्टमेंट में ये सेपरेट बंद हो जाएगा 60। हेलो सलाम नमस्ते, तो कैसे हो मेरे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम राइड विद शाही। तो गाइज आज हम जा रहे हैं बहलन। बहलन एक चंडीगढ़ में जगह है जहां मिलता है ट्रैकिंग की बहुत सारी चीजें। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा टेंट, रक्षा बैग, बहुत सारी मतलब ट्रैक अगर आप करना चाह रहे हो तो जो भी इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है वो सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा बड़े रिजनेबल रेट पे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल ड्रीम राइड विद शाही। पता है बहुत दिनों बाद वीडियो लेके आ रहा हूँ, बट थोड़ी सी मिस हैपनिंग हो गई थी जिसकी वजह से वीडियो लेके नहीं आ पा रहा था, बट नाउ आई एम ओके। तो अब से कंटिन्यू हमारी वीडियो आई, तो देखते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल में। तो दोस्तों हम आ चुके हैं रोड पे और मैं आपको मिलाना चाहूँगा एक मेरे नए फ्रेंड से। ये है सौरभ और ये जलंधर से है और मैं बिहार से, जैसा कि आप जानते हो। तो हम यहाँ रुके हैं ऑटो लेने के लिए, ऑटो का वेट कर रहे हैं। ऑटो लेके हम यहाँ से जाएंगे बहलम गाँव और आपको दिखाएंगे बड़ी मज़ेदार वीडियो। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल ड्रीम राइड विद शाही। तो गाइस देते हैं ऑटो, चलेंगे फिर, मिलते हैं आपसे ऑटो पे। दोस्तों हमने ले लिया ऑटो और हम निकल चुके हैं बहलम के लिए। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं ये यार चौक, मुझे पता नहीं कि आइडिया नहीं है मुझे कौन सा चौक है, बट ये आपको दिखेगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ से हमें जाना है सीधा और लैंडमार्क के लिए आप ये याद रखना है, एयर प्योरीफायर है ये, देखो आप क्या ज़बरदस्त है ना। ये सारी चीज़ें चंडीगढ़ में बहुत सही है और रोड वगैरह भी जैसे कि आप देख रहे हो काफ़ी नीट एंड क्लियर है। तो यहाँ से हमें सीधा जाना है जहाँ हमें डेस्टिनेशन पे जाना है, तो हम यहाँ से लेंगे फिर से ऑटो। तो दोस्तों यहाँ से हमने लिया है ऑटो त्रिभुवन चौक के लिए और यहाँ से हम चल रहे हैं त्रिभुवन चौक और वहाँ से फिर देखेंगे कैसे जाना है। त्रिभुवन चौक जाने के लिए आपको यहाँ से लगेंगे ₹10 वहाँ से, अगर आप 70 से आते हो, 78 से मैं बता दूँ। तो पहुँचते हैं त्रिभुवन चौक, फिर मिलते हैं दूसरे ऑटो में। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं कौन सा चौक है ये, त्रिभुवन चौक, त्रिभुवन चौक। तो अब हम यहां से जाएंगे एयरपोर्ट चौक, तो अब फिर यहां से लेंगे हम ऑटो। एक्चुअली क्या है, हम चाहे तो डायरेक्ट भी जा सकते थे, बट आपको हम ये दिखा रहे हैं कि चीपेस्ट वे क्या है जाने का। और ये देखो हमारे बगल में नोवोटेल होटल भी है हमारे बगल में, तो बने रहिए और देखते रहिए। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि एक्चुअली पहले हमने डिसाइड करा था कि हम कैब से जाएंगे डायरेक्ट, बट फिर मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट करा कि क्यों ना हम ऐसे जाएं सबसे चीपेस्ट वे। तो इससे आपको आइडिया भी हो जाएगा कि चंडीगढ़ में आप कैसे ट्रैवल करोगे, कहाँ से जाओगे, कैसे जाओगे, कैसे ऑटो लोगे, क्या रेट है। इसलिए हम लोग ऑटो प्रेफर किए आने के लिए। तो चलते हैं फिर तीसरा ऑटो लेते हैं और पहुँचते हैं एयरपोर्ट चौक, फिर वहाँ से वॉक करके हम जाएंगे अपने स्टोर पे जहाँ से हम लेंगे यार कई सारी चीज। तो मिलते हैं गाइस तीसरे ऑटो पे। तो दोस्तों हम ले चुके हैं तीसरा ऑटो और हम निकल चुके हैं एयरपोर्ट चौक के लिए। चलते हैं एयरपोर्ट चौक और मिलते हैं आपसे एयरपोर्ट चौक पे। तो दोस्तों हमने लिया है यहाँ से रिक्शा और हम यहाँ से जा रहे हैं आर्मी स्टोर। तो भैया यहाँ से कितना किलोमीटर होगा? 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर के करीब यहाँ से ₹20 लगेंगे दो सवारी के। ये है हमारे ठाकुर साहब, इनको मैं ठाकुर साहब कहता हूँ। ये भी मस्त मौला आदमी है हमारी तरह और रहने वाले ये वैसे जलंधर से है। पार्टी वार्टी इनकी भी चलती रहती है ऊपर पहाड़ों पे। तो कभी आपको पहाड़ भी घुमाएंगे, क्यों सर? पहाड़ भी घुमाएंगे और इनके साथ ट्रिप तो करेंगे जरूर। एक सर हम चलेंगे लेह लद्दाख को, लेह लद्दाख चलेंगे बाइक पे चलेंगे, मस्त। उसी की तैयारी कर रहे हैं अभी, उसी की तैयारी है अभी। हम लोग जा रहे हैं इक्विपमेंट्स लेने, जो भी मतलब ट्रैकिंग में यूज़ होता है ना वो इक्विपमेंट्स हम लोग लेने जा रहे हैं। तो तैयारी धीरे धीरे उसी चीज़ की है, लद्दाख जाने के लिए थोड़ी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, ये हमारे सौरभ जी ने हमें बताया है। तो ये काफ़ी एक्सपीरियंस बंदे हैं। तो चलते हैं फिर, मिलते हैं आपसे वहीं। आप जब तक मजा लो चंडीगढ़ के रास्तों का और रिक्शे का। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पे। तो ये है स्टोर, बाहर से आपको ऐसा दिखेगा, यादव आर्मी स्टोर नाम हुआ स्टोर का। और ये भैया दिखेंगे आपको काउंटर पे, क्या नाम हुआ भैया आपका? सोनू नाम है। सोनू भैया दिखेंगे, यहाँ देखते हैं और लेते हैं कुछ आइटम। क्या क्या मिल जाता है भैया आपके पास? भैया जी सारा आर्मी वगैरह का सब सामान मिल जाता है, ट्रैकिंग का, आर्मी का। अच्छा, एक्चुअली हम लोग ये रक्षक बैग लेने आए हैं। और क्या प्राइस है इसका, ये वाले का? ये 1000 का। ये 1000 का है, 1350। कंपार्टमेंट भी भैया जी साइज ही पूरा है, फुली वाटरप्रूफ है, विद इसमें रेन कवर वगैरह भी मिल जाएगा। अच्छा, साइज का सामान मिलेगा आपके? ये लगा पड़ा है ना जो सामने रेड वाला, रेड से पगला ब्लू वाला, ब्लू वाला। अच्छा, पीछे क्वालिटी वगैरह भी अच्छी उसकी, अंदर फ्रेम होगा इसके, फ्रेम है इसमें? हाँ यार, दूसरी डलती है।
प्लेट भी है, नीचे फत्तियां डली हुई है इसके अंदर। इसे क्या है ना कि स्ट्रेट रहता है, हां स्ट्रेट रहता है ये, मुड़ता नहीं। ये मी का डेट है साइड 40, काफी सही लग रहा है ये। ये शो कंपार्टमेंट है ना, दिखाना ये जरा। 40 आपके लिए चाहिए, 40 शू कंपार्टमेंट में ये अलग से बंद हो जाएगा इसको ना। अभी जिप खोली हुई है इसलिए नीचे तक आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये जिप ऐसे लगेगी, ये जिप लग जाएगी यहाँ से। हाँ फिर ये बंद हो जाएगा भाई, शू कंपार्टमेंट अलग बन जाएगा इसका, इसका जिप यहीं लगा हुआ है। अच्छा अच्छा, कितने लीटर का है ये? कौन सा, 80 लीटर है। 80 लीटर। अच्छा इसका क्या प्राइस है ये ब्लैक वाले का? 25। और उसके बाजू वाले का? 18। और ग्रीन? 1850। उसके बाजू वाले का? 2000। और ये 1200। आर्मी प्रिंट ना? हाँ जी। उसके बाजू वाला? 850। 1350। 1200। 15। मतलब सारी रेंज क्या है, 1000 से लेके 2500 रुपए तक का रेंज है आपके पास। हाँ स्लीपिंग बैग भी होते हैं। हाँ जी, ये स्लीपिंग बैग है, ये भी देखेंगे अभी। और पहले ये सिलेक्ट करते हैं कौन सा सही लग रहा है। शूज वगैरह भी मिल जाएंगे इनके पास, आप शूज भी देखेंगे और कई सारी चीज़ें देखेंगे। तो दोस्तों ये हमारा बैग रेडी हो रहा है और अभी हम डाल के देखेंगे कि लुक कैसा आ रहा है। ये बात चले लद्दाख कैसा लग रहा है? हाँ बस लग रहा है, ये सही है ना, ये साइज सही है। इसमें कलर कौन कौन से हैं वो दिख रहा है? ये डार्क ब्लैक होगा, एक ही होगा। सही लग रहा है ये। अच्छा भैया ये शूज वगैरह कितने के हैं? ये जंगल शूज कितने का होगा? ये सामने ग्रीन वाला 1200 रुपये। 1400। ये देखो जिप होगा ना, इसमें मेटल होगा क्या? नहीं नहीं नहीं, मेटल नहीं है। ये बाइक राइडिंग के लिए सही है। 1400 रुपये। हाँ भैया, तो महंगा नहीं हो रहा है? लेदर में जूता है। ऐसे चलो कुछ कर दोगे आप देते रहेंगे। हाँ भैया, कौन कौन से, ये क्या रेट के हैं? 800 रुपये। 800 रुपये ठीक। 650 ठीक। 850। ओके। 1000। ओके। 850 ठीक है। 1200। ये दिखाना जंगल शूज दिखाना। ये 1200 रुपये। ये फैब्रिक होगा, ये वाटर प्रूफ तो नहीं होगा? पानी जाता नहीं है सच में। अच्छा अच्छा अच्छा, ये शूज़ मैं मंगाया हूँ अभी ट्राई करने के लिए, ट्राई करके मैं दिखाता हूँ। अच्छा उसके बाजू वाला फिर कितने का है ये? 1350 लिबर्टी। 1350 लिबर्टी का होगा ये। वॉरियर, ये लिबर्टी का बढ़िया लग रहा है। और ये ऊपर वाला जो आपने बताया ये वाला है ना? 1400 रुपये। ये 1650। ये 1650। हाँ ये ट्राई करते हैं और आपको दिखाता हूँ। ये साइड से पहनने के लिए जिप होता है, जिप खोल के अगर आप पहनोगे तो इजी पड़ेगा पहनने में। ऐसे क्या है ना, हाई एंकल उतारने में और फिर चढ़ाने में दिक्कत ही होती है। ये चीज़ सही है इसमें जिप का, ये जिप खुलेगा ना वैसे। हाँ। कमेंट में बताना। यहाँ पर ट्रैक सूट भी मिल जाएंगे, विथ पजामे होंगे इसमें। क्या प्राइस का भैया ये? 1000। ये लोअर? 900। ये वार्म होगा ना? अंदर फ्रीज होगा, अंदर से फ्रीज होगा। ये वार्म में है, जैकेट्स वगैरह होंगे, कई सारी चीज़ें हैं। क्योंकि ये भी मुझे काफ़ी प्यारा लगा, इसमें ब्लैक कलर होता ना तो मैं ले लेता। क्या प्राइस है इसका वैसे? 650। ये भी काफ़ी वार्म होगा, काफ़ी गर्म होगा ये। चलो फिर बैग लेते हैं और फिर आगे की बातें करते हैं आपसे। तो भैया आप दिखा दो थोड़े स्लीपिंग बैग हमें। ये पैरासूट फैब्रिक होता है ना? हाँ भैया। ये डबल दिखा, डबल है। अच्छा एक अंदर भी है। अच्छा एक वार्म अलग है और एक ये अलग है, ये अलग है। अच्छा डबल में है। क्या प्राइस का है ये? ये 2200 का। 2200 का। लेंथ क्या होता है इसका? लेंथ 7 फुट। 7 फुट। और विड्थ 2.5 फुट के करीब तो है ये? हाँ बिल्कुल 2.5 फुट है ना। बिल्कुल है, खुल के ना डबल हो जाता है, खुल के इसको मेन। अच्छा ये चाहूँ तो अलग भी हो सकता है? अलग हो जाता है ये, अलग भी हो जाएगा। एक इस तरह का आता है। अच्छा ये हल्के रेंज में है?
क्या क्या प्राइस है इसका? 800 रुपए का भैया जी। इसके अंदर भी होगा क्या? इसमें भी होता है, साइड से जिप है इसका। बिल्कुल भैया जी, ये है भैया जी 1200 रुपए का। 1200 ठीक। इसकी लंबाई ज्यादा लग रही है थोड़ी। हां लंबाई पूरी होती है भैया जी लंबाई। ये वैसे नीचे चंडीगढ़ के लिए ठीक है जी, इसमें वॉक रेंज आएगी लाइट। ये लग रहा है जैकेट का ही फैब्रिक है जैसा ये जैकेट का है ना। जैकेट में ना सेम वही है, बिल्कुल सेम वैसी है। इसको कहते हैं बटर एनएस। बटर एनएस ठीक है, क्योंकि मैं कपड़े का थोड़ा बहुत काम जानता हूं। बिल्कुल मान गए, बटर एनएस ही है। हां ये क्या 1200 का बताया ना ये मैक गियर थोड़ा तो। अच्छा ये क्या रेंज का है? ये थोड़ी चौड़ी देख लग रहा है ये वाला भैया जी, अपने लिए 1800 रुपए का। 1800 रुपए का ये भी अच्छा, ये भी अंदर से वही है, ये थोड़ा और हैवी, ये और ये ज्यादा सॉफ्ट है। सॉफ्ट भी और हैवी भी, इसके अंदर फाइबर थोड़ी ज्यादा होते हैं ना। अच्छा 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 अच्छा। आजकल तो कपल्स वाले भी तो आ रहे हैं ना? नहीं हमारे पास, आपके पास नहीं है? अच्छा अच्छा, ये 1800 ये वाला, ये वही वाला है 2200 2200 जो शुरू में दिखाया ये वाला है डबल वाला है। उसके ये वाला कौन सा? ये 1200 वाला जो दिखाया है और वो 2000 रुपए का है। ये 2000 का, ये मुझे ज़्यादा सही ये वाला दिखाना भैया जरा, अगर मुझे लेना होगा तो यही लूँगा। एक इसमें से मुझे ये वाला काफ़ी सही आया लगा, अगर आप आओगे तो एक बार ही देखना आके। ये इसका ना सॉफ्टनेस ज़्यादा है इसमें, ये देखो ये सही है। इसका जो नहीं नहीं ये पतले वाले लेके जाओ, ये देखो ये इसकी क्वालिटी है ना सबसे अपर है। हाँ सही है। और इसमें जो है ना मटेरियल भी अंदर जो भरा पड़ा है ना वो फाइबर अच्छा है, रिलायंस की फाइबर है। ये देखो ये सही है, 7 फीट लंबे साथ। इसका क्या बताया था आपने? 1800। बस खोलो और सो जाओ पहाड़ों में। सही बात है, ये मुझे सबसे बेस्ट लगा। ये लेंगे एक, ये चाहिए अपने को, एक शूज चाहिए बस बात खत्म। अच्छा भैया कुछ ग्लव्स दिखा दो हमें। एक ये है भाई 250 का, 250 का। अच्छा आजकल जो आ रहा है टच वाला, टच में है आप? ये कितने का? ये वाला 250 350 ये 250 ये 350 250। ये लेदर में है? नहीं स्वेट है, ये स्वेट लेदर है ना। 350 का ये है। 60 रुपये। 80 वैरायटी बहुत है, मर्जी है। ये सही है 250। अच्छा इसमें ये दे रखा है ग्रिपिंग के लिए, ये टच वाला है 250। सही है, ये टच दे रखा है आप मोबाइल यूज करने के लिए। अच्छा भैया एक और आता है पतला सा, बिल्कुल अंदर पहले लगा के फिर ग्लव्स पहनते हैं, वो बिल्कुल थिन में होता है, इनर अभी हाफ है, इसमें फुल आता है। अच्छा इसमें फुल आता है, ये इनर हो गया ना। हाँ। ये पहन के फिर ये पहनते हैं, ये तो सिंगल पहने के तब भी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा हाँ ये तो सिंगल ही चलते हैं, कुछ ऐसा लगा बाइक चलाने के लिए सही होता है। ये अंदर से वार्म है ना, सब में लगा हुआ है फर, सब में फर होगा अंदर, जो भी मर्जी आप देखो सही चीज़ है, सही सारी चीज़ें हैं। आप आओ एक बार देखो, रिजनेबल रेट पे आपको ये चीज़ें मिल जाएंगे यहाँ। दोस्तों हमने यहाँ से लिया है ये बैग एक और ये दो सॉक्स, अभी कई सारी चीज़ें लेंगे हम। तो ये हमें पड़ा 1500 का और ये पड़ा 50 का। ये काफ़ी वार्म है तो ओल्ड एज के लिए भी काफ़ी सही है। ये मैं अपने पापा के लिए ले लिया हूँ, काफ़ी सही है ये मुझे बहुत पसंद आया। इसमें ब्लैक होता है ना तो ब्लैक भी आ रहा है, तो ये हम भी पहन सकते हैं और पापा लोग भी पहन सकते हैं। तो ये दो ये लिया और ये बैग बस। तो दोस्तों यहीं अपने वीडियो को एंड करता हूँ, और भैया को याद रखना इनके पास आना और शॉपिंग करना, सही चीज़ें मिलेंगी और काफ़ी कॉपरेट भी करेंगे, थोड़ा बहुत रेट का भी देख लेना भैया। ठीक है बिल्कुल ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।